Good evening, bacho. This is 6 o'clock. So I am ready with the exercise on session number 8. Okay, let's begin. Here you can see the Hindu editorial session 8 exercise. And the first segment is sentence arrangement. So let's do it. Aur aap humko bataye, yahan pe kaun sa option aapka set hoga. They must ensure that in terms of a relatively low death toll, the gains from the lockdown, bacho yahan gains nahi, gain bana lijiyega, gain hoga yahan pe. This is the gains from the lockdown and a cap on new cases are not reversed overnight in the red, orange and green zones. Tell me children, which is the best alternative? ये तो पहला वाला तो पोर्शन आपका तय है, दे मस्ट इंश्योर दैट आएगा. इसके बाद कौन सा पोर्शन आएगा, ये हिंट लेना सीखें आप. बोलिए बच्चों, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? दे मस्ट इंश्योर दैट इन टर्म्स ऑफ अ रिलेटिवली लो डेथ टॉल होगा, या दे मस्ट इंश्योर दैट द गेन्स फ्रॉम द लॉकडाउन होगा, या दे मस्ट इंश्योर दैट एंड अ कैप ऑन न्यू केसेस होगा, या दे मस्ट इंश्योर दैट इन द रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन. एलिमिनेशन सिस्टम धीरे धीरे बच्चों आप सीखेंगे तो आपके लिए सेंटेंस अरेंजमेंट या कोई भी चीज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, स्पेशली वो कैप के सेंस में. क्या सोचते हैं कौन सा पहले आ सकता है बच्चों? दे मस्ट इंश्योर दैट इन टर्म्स ऑफ अ रिलेटिवली लो डेथ टॉल, दैट के बाद तो क्लॉज नॉर्मली आएगी और क्लॉज नॉर्मली हमेशा नहीं, नॉर्मली सब्जेक्ट से किसी नाउन प्रोनाउन से शुरू होती है, तो पी को प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए. दे मस्ट इंश्योर दैट द गेन्स, है ना बच्चों, ये यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, द गेन्स फ्रॉम द लॉकडाउन, यानी द गेन्स हमारा यहां सब्जेक्ट है. तो पहला जो ऑप्शन, क्योंकि यहां भी देखिए एंड से है और यहां भी इन द रेड से है, ये तीनों की अपेक्षा गेन्स के साथ हम चल सकते हैं, क्यू के साथ. तो द गेन्स फ्रॉम द लॉकडाउन, अब क्लू लें बच्चों कि अगर द गेन्स फ्रॉम द लॉकडाउन है तो आपका पहला पोर्शन क्या हो जाएगा? आपका पहला पोर्शन हो जाएगा यहां पे बी और डी में से कोई, यानी आपके पास 50-50 हो गया, ये पोर्शन फिनिश. आपको बी और डी में से एक आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? ठीक है, बोलें क्यू के बाद पी देख लें और क्यू के बाद एस देख लें, समय बचाएगा आपका. तो दे मस्ट इंश्योर दैट द गेन्स फ्रॉम द लॉकडाउन, और पहले पी देखते हैं, द गेन्स फ्रॉम द लॉकडाउन इन टर्म्स ऑफ अ रिलेटिवली लो डेथ टॉल, और फिर क्या है क्यू के बाद पी, फिर आर है, इन टर्म्स ऑफ अ रिलेटिवली लो डेथ टॉल एंड अ कैप ऑन न्यू केसेस आर नॉट रिवर्स्ड ओवरनाइट, और फिर एस से इन द रेड हो सकता है. अब एस देखते हैं क्यू के बाद, दे मस्ट इंश्योर दैट द गेन्स फ्रॉम द लॉकडाउन इन द रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन्स. ये गेन्स जो हैं वो तो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में नहीं जाएंगे ना बच्चों, तो फिर अगर एस नहीं होगा तो क्यू के बाद एस भी, ये भी फिनिश हो गया. हो गया आंसर आपका कि आपका बी ऑप्शन होगा, क्यू पी आर एस. कैसे देखें, दे मस्ट इंश्योर दैट, ये क्लियर है, दैट के बाद बच्चों क्लास आपको लेनी है, क्लास की शुरुआत सब्जेक्ट से होती नॉर्मली, तो यहां से हो जाएगा. दे मस्ट इंश्योर दैट द गेन्स फ्रॉम द लॉकडाउन, ठीक है, द गेन्स कौन सा गेन्स, इन टर्म्स ऑफ अ रिलेटिवली लो डेथ टॉल, वो गेन जिस गेन में आपकी, आपके देश में मृत्युओं यानी मृतकों की जो संख्या थी वो रिलेटिवली लो थी, वो गेन, और कौन सी गेन, एंड और आर है ना इसके बाद, और अ कैप ऑन न्यू केसेस, और जो नए मामले आ रहे थे संक्रमण के उन पर कैप मींस रोकथाम, कहीं कहीं उनकी कमी, आर नॉट रिवर्स्ड ओवरनाइट, कहीं ये रातों रात न पलट जाएं, किस चीज में, इन द रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन्स में. तो बी ऑप्शन आपका दिए गए ऑप्शंस में बेस्ट होगा बच्चों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज, ये आपके सामने P
पी क्यू आर एस में से है बच्चों, बोले कौन सा ऑप्शन यहां पे आपके लिए बेस्ट होगा, देख लें। नंबर नहीं दिख रहा था, बोले बच्चों कौन सा होगा। इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल रेमेडीज, यानी मेडिकल रेमेडीज यानी मेडिकल उपचारों की अनुपस्थिति में, द वनली ऑप्शन अगेंस्ट द वायरस प्रिवेंशन रिमेन्स, यानी इसी पी क्यू आर एस को आपको सही क्रम में रखना है बच्चों। इन चारों में जो सबसे पहले आएगा वो कौन सा होगा, देख लें और बताएं मुझे क्या ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है। आज बच्चों मैंने इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी जोड़ा हुआ है जो आपके काम आएगा। चारों ऑप्शन बच्चों, सबसे पहला ऑप्शन अगर आपने एडिटोरियल पढ़ा हो तो क्या बेस्ट इसमें आ सकता है कि मेडिकल रेमेडीज की अनुपस्थिति में जो पहला विकल्प है, कौन सा पहला विकल्प है, द वनली ऑप्शन ये होगा, या अगेंस्ट द वायरस ये होगा, या प्रिवेंशन रिमेन्स। मेडिकल रेमेडीज की अनुपस्थिति में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वो क्या है, प्रिवेंशन रिमेन्स, यानी प्रिवेंशन ही, रोकथाम ही रह जाती है। क्या प्रिवेंशन रह जाती है, द वनली ऑप्शन, इकलौता विकल्प अगेंस्ट द वायरस, यही ना। जब भी आएगा बच्चों क्यू के बाद आर आएगा, ये तय ना, द वनली ऑप्शन अगेंस्ट द वायरस, क्यू के बाद आर आएगा, और क्यू और आर अगर आप एक साथ ले रहे हैं पहले तो आप ऐसे नहीं बोल सकते द वनली ऑप्शन अगेंस्ट द वायरस प्रिवेंशन रिमेन्स, ऐसे नहीं, प्रिवेंशन रिमेन्स द वनली ऑप्शन अगेंस्ट द वायरस, यानी प्रिवेंशन ही है क्या, इकलौता विकल्प वायरस के खिलाफ, यानी हमें क्या लेना होगा, एस क्यू और आर है, कहीं देखें हो जाएगा पी एस क्यू, पी एस क्यू आर किसमें है बच्चों, ये देखिए बच्चों आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आओ दिक्कतें हो मेरे साथ कमेंट में शेयर करें। तीसरा ऑप्शन अच्छे से देखें, कौन सा यहां पे बेस्ट ऑप्शन होगा आपका, पढ़ लें अच्छे से। अनसरप्राइजिंगली, यानी कोई आश्चर्य नहीं होगा कि द बिगेस्ट सिटीज, जो सबसे बड़े शहर हैं, अनप्लान्ड डेंसिफिकेशन, अब ये द बिगेस्ट सिटीज के बगल में अनप्लान्ड डेंसिफिकेशन तो नहीं आएगा, इसे एलिमिनेट कर दें। अनसरप्राइजिंगली द बिगेस्ट सिटीज रैम्पेंट पोल्यूशन एंड पुअर हेल्थ केयर एक्सेस, क्या ये बिगेस्ट सिटीज जो हैं वो रैम्पेंट पोल्यूशन और पुअर हेल्थ केयर एक्सेस हैं, नहीं, हम क्यू को भी एलिमिनेट कर देते हैं। अनसरप्राइजिंगली द बिगेस्ट सिटीज विद अ लेगेसी ऑफ मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसी, आपका पोस्ट मॉडिफायर का काम कर सकता है क्योंकि बिगेस्ट सिटीज ही हैं क्या, विद अ लेगेसी ऑफ मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसी, जहां पे उनकी जो हाउसिंग पॉलिसीज हैं वो मार्केट ड्रिवन, इनकी मेन उनका टारगेट क्या है, मार्केटिंग करना, क्या ये देखते हैं हो सकता है। अनसरप्राइजिंगली द बिगेस्ट सिटीज आर रेड जोन्स विद लार्ज इंफेक्शन क्लस्टर, बिल्कुल हो सकता है बच्चों, लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर देखे आपको समझना होगा, ठीक है, वो स्ट्रक्चर देखे क्या हो सकता है बच्चों, ये दो वाक्य देखें आप, अगर ऐसे आपको दिया जाए, द मैन वाज गुड इन द नाइस ड्रेस, ठीक है बच्चों, गलत नहीं है, लेकिन अगर ये इन द नाइट ड्रेस आप वाज गुड के बाद लेंगे तो फिर ये एडवर्बियल हो जाएगा, और अगर आप इसे यहां से हटा करके यहां रख देंगे, यहां अब ये हो जाएगा, ये देखिए द मैन वाज, द मैन इन द नाइट ड्रेस वाज गुड, अब ये एडजेक्टाइवल हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आप द बेस्ट सिटीज के बगल में सीधे ये ले रहे हैं ये पोर्शन आपका, तो ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर ये है किसके बारे में, विद अ लेगेसी ऑफ मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसीज, ये कौन है, वो द बिगेस्ट सिटीज हैं, तो जब भी आएगा
पहले आपको क्या रखना होगा, आर। और अगर आपको पहले आर रखना होगा तो आपके पास दो आर है, आर एस और आर पी। अब देख लें आप, तो अनसरप्राइजिंगली द बिगेस्ट सिटीज विद अ लेगेसी ऑफ मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसीज, एस रख के देखते हैं, हाउसिंग पॉलिसीज आर रेड जोन्स विद लार्ज इंफेक्शन क्लस्टर, रैम्पेंट पोल्यूशन एंड पुअर हेल्थ केयर एक्सेस, ये उल्टा हो जाएगा। तो आप क्या करें बच्चों, ये ऑप्शन चूज करें, ये वाला, आर के बाद पी रखें और तब देखें। अनसरप्राइजिंगली द बिगेस्ट सिटीज विद अ लेगेसी ऑफ मार्केट ड्रिवन हाउसिंग पॉलिसीज, और क्या, अनप्लान्ड डेंसिफिकेशन, फिर क्या, रैम्पेंट पोल्यूशन एंड पुअर हेल्थ केयर एक्सेस। अभी हो जाएगा विद अ लेगेसी के बाद ये आ जाएंगे और लास्ट में आपका आएगा ये। एक और चीज बच्चों, जब भी आएगा लास्ट में आपका ये पोर्शन आएगा, आर रेड जोन्स, तो इन दोनों में देखें लास्ट में एस किस में है, इसमें है। ये भी एक क्लू है जिसके द्वारा बता सकते हैं कि आपका ऑप्शन सी हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है कॉमन एरर का, लेकिन इसमें एक फर्क मैंने दिया बच्चों, मैंने कल कहा था बैच में आपको डिस्कशन में कि जो कॉमन एरर मैं दूंगा आपको, अब वो थोड़ा सा टिपिकल मैं करूंगा, कि जरूरी नहीं कि एक ही पोर्शन में एरर हो, दोनों में, तीनों में हो सकता है। यानी आपको सारे देखने हैं और ग्रामर से संबंधित जो भी एरर्स दी जा सकती हैं वो सारी आपको मैनेज करनी है। बताएं बच्चों यहां पे कौन कौन से ऑप्शंस में गलतियां हैं, देख लें। व्हाट द पब्लिक मस्ट बी टोल्ड इम्फैटिक इज दैट द रिलैक्सेशन ऑफ द लॉकडाउन वॉज नॉट अ रिटर्न टू लाइफ एज इट एग्जिस्ट बिफोर द कोरोना वायरस। बोलिए बच्चों, देखें अच्छे से कौन कौन से पार्ट्स में एरर है। क्या ये वाक्य सही बच्चों, व्हाट द पब्लिक मस्ट बी टोल्ड, ये तो सही है, मस्ट बी टोल्ड पैसिव है तो इसकी हिंदी तुरंत हो जाएगी कि जो चीज पब्लिक को बताई जानी चाहिए, अवश्य बताई जानी चाहिए। कैसे बताई जानी चाहिए बच्चों, इम्फैटिक। क्या सही है, इज दैट, वो ये है कि द रिलैक्सेशन ऑफ द लॉकडाउन, कि लॉकडाउन में जो रिलैक्सेशन दी गई, राहत दी गई है, वाज नॉट अ रिटर्न टू लाइफ, वाज होना चाहिए, मस्ट बी टोल्ड, बताया जाना चाहिए, तो फिर यहां पास्ट होगा, ये भी देख लें। और As it exist before the coronavirus, जैसा ये कोरोना वायरस से पहले एग्जिस्ट करता था, देख ले बच्चों कहां पे आपको लग रहा है। What the public must be told, no error, सही है। अब ये told बच्चों action verb है, तो action verb क्या कोई adjective लेगा या adverb लेगा, adverb लेगा, तो adverb emphatic नहीं होता है, emphatically होता है। तो पहली एरर आपकी ए में हो गई, व्हाट द पब्लिक मस्ट बी टोल्ड इम्फैटिकली इज दैट द रिलैक्सेशन ऑफ द लॉकडाउन वाज नॉट अ रिटर्न टू लाइफ। हम इस समय की बात कर रहे हैं कि ये जो रिलैक्सेशन लॉकडाउन में दिया गया है वो जीवन की तरफ लौटना नहीं है, सामान्य जीवन की तरफ लौटना नहीं है, प्रेजेंट में होना चाहिए, पास्ट में क्यों ले रहे हैं। हियर वाज इज इनकरेक्ट, हियर यू विल हैव टू यूज इज। ओके, और देखते हैं, एज, जैसा, इट एग्जिस्ट, अब ये इट एग्जिस्ट तो कभी नहीं हो, प्रेजेंट में भी लेंगे तो एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट होगा, और अगर पास्ट में लेंगे तो एज इट एग्जिस्टेड हो जाएगा, क्योंकि हम कोरोना वायरस से पहले की बात कर रहे हैं, तो पास्ट की बात कर रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं, एग्जिस्टेड हो जाएगा। यानी ए में भी गरर एरर है इम्फैटिकली, बी में भी एरर है इज, और सी में भी एरर है एग्जिस्टेड हो जाएगा। यानी आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, एरर इन ओनली ए पार्ट, ए एंड बी पार्ट्स बोथ, ए बी एंड सी पार्ट्स, ये हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, एरर इन ए बी एंड सी पार्ट्स। चलिए बच्चों देखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से हैं, आगे कई लेवल्स पे आपके काम आएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देख लें, केरला Who is lauded for its success, जिसकी प्रशंसा की गई इसकी सफलता के लिए, in containing the pandemic, किस चीज के लिए, pandemic पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए,
हैज चूजन, उस केरला ने चुना है टू रिटेन सम कर्व इवन इन ग्रीन जोन्स, कि यह ग्रीन जोन्स वाले क्षेत्रों पर भी, यानी ग्रीन जोन्स पर भी कुछ न कुछ लगाम लगाए रखेगा, बनाए रखेगा। क्या गलत है बच्चों? सोचे बच्चों, जितना सोचेंगे उतना आपको आएगा। एक चैलेंज के रूप में कॉमन एरर्स वगैरह को और पिकी वायरस वगैरह को लीजिए ताकि आप बेहतर करो। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा बच्चों जहां रोज आपको ये चीजें एक टेस्ट की तरफ कराई जाती हो, वो भी एडिटोरियल पर, सोच के देखेगा, और सिस्टमैटिक कराई जाती, आगे और बेहतर करके मैं आपको दिखाऊंगा। देखें बच्चों, क्या केरला के लिए आप हु ले सकते हैं क्या? नहीं, केरला विच या दैट हु नहीं होगा बच्चों। पहली गलती ए में हो गई। इज लॉडेड सही, इज एमआर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, क्योंकि केरला नहीं लाउड कर रहा है, केरला की प्रशंसा की जाती है। ठीक है, ये हो गया फॉर इट्स। इट्स देखिए खुद ही बता रहा है यहां पे कि हु का प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप। इन कंटेनिंग सही है, प्रीपोजिशन के बाद आपने वर्ब में आईएनजी लिया। कंटेनिंग द पैंडेमिक, पैंडेमिक पहले आपने द ले लिया, सही है। उस केरला ने हैज चूजन, चुना है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हैज लगा है, हैज चूजन। टू रिटेन, बनाए रखना, सही है। सम कर्ब, कर्ब मीन्स लगाम। यहां बच्चों सम के बाद कर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल? क्या ऐसे में लिख सकते हैं सम गर्ल इज कमिंग? नॉर्मल सेंस में तो नहीं लिख सकते हैं, कुछ लड़कियों के सेंस में। तो यहां सम के बाद कर्ब नहीं, सम कर्ब से लगाना होगा, क्योंकि उसने कुछ नियंत्रण लगाए, यानी कुछ मतलब कुछ एक, एक से अधिक, ये सेंस आपका। यानी आपके ए पार्ट में एरर, जहां पे हु की गलती थी, विच या दैट होगा, और सी पार्ट में एरर जहां सम के बाद आपको काउंटेबल प्लूरल लेना होगा कर्ब्स के रूप में, लेकिन बी सही आपका है। यानी वनली ए नहीं, ए एंड बी नहीं, ए बी एंड सी नहीं, ए एंड सी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, चैलेंजिंग, देखें, चैलेंज स्वीकार करें और करने की कोशिश करें बच्चों, देख लें क्या गलत है इसमें। द कंटिन्यू सस्पेंशन ऑफ एयर रेल इंटर स्टेट एंड अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड द बार ओवर मास गैदरिंग्स एंड एंटरटेनमेंट वेन्यूज रिमूव्स अ मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग, क्या गलत है बोले बच्चों? सारी चीजें देखें, कहां पे एडजेक्टिव होना चाहिए, कहां पे एडवर्ब होना चाहिए, ये सब मॉडिफायर्स को बेहतर समझें, नाउन प्रोनाउन वगैरह संबंधित वर्ब से संबंधित गलतियों पे ध्यान दें। पहले पार्ट में कोई एरर है बच्चों? द कंटिन्यू सस्पेंशन ऑफ एयर रेल इंटर स्टेट, ये सस्पेंशन क्या है? नाउन। अगर सस्पेंशन नाउन है तो नाउन के पहले बच्चों वर्ब कैसे आएगी? एडजेक्टिव आएगा, और अगर एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव कंटिन्यू नहीं है, होता है कंटिन्यूड होता है, यानी यहां पे एरर हो गई आपके। ऑफ एयर रेल इंटर स्टेट सही, एंड और अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही है, शहरी जो लोगों की ट्रांसपोर्ट थी, एंड और द बार ओवर, बार के साथ ओवर कहां आता है बच्चों? किसी चीज पर प्रतिबंध होता है तो बार ओवर नहीं होता बच्चों, बार आन होता है, क्या होता है? बार आन, ये होता है बच्चों। यहां दूसरे में भी गलती हो गई। एंड और एंटरटेनमेंट वेन्यूज सही है, रिमूव्स अ मेजर सोर्स ऑफ क्राउड, रिमूव्स बच्चों, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था क्या? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था क्या? द कंटिन्यू सस्पेंशन ऑफ एयर रेल इंटर स्टेट एक, एंड अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट दो, एंड द बार, तीन तीन सब्जेक्ट्स हैं। अगर तीन तीन सब्जेक्ट्स हैं तो रिमूव्स कैसे होगा, क्या होगा? रिमूव हो जाएगा, यानी यहां भी ए बी और सी तीनों में है, यानी आपका ये पोर्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा बच्चों, ये नई नई चीजें मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए ताकि चीजें आपके काम आए, हर प्रकार हर लेवल पे आपके काम आए। मुझे पता है आपको दिक्कतें आएंगी आएंगी, बट जहां कठिनाइयां ना हो वहां सफलता का कोई आनंद भी नहीं, कोई खुशी भी नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए मेहनत करें, यही एक मार्ग है आपके लिए। फिल इन द ब्लैंक्स देख लें बच्चों, कहां पे गलत है आपके तीनों में, मतलब कौन सा चूज करना है, सॉरी देखें।
द बार ऑन, देखिए वाक्य दिया मैंने ना, द बार ऑन मास गैदरिंग्स, जो बड़ी बड़ी भीड़ होती इन पर प्रतिबंध, एंड एंटरटेनमेंट वेन्यूज, और जो मनोरंजन के स्थल हैं उन पर जो प्रतिबंध है, डैश अ मेजर सोर्स ऑफ क्राउडिंग, ये क्राउडिंग के मुख्य स्रोत हैं। क्या होगा बच्चों? द बार ऑन मास गैदरिंग्स एंड एंटरटेनमेंट वेन्यूज डैश क्या होगा? रिमूव, रिमूविंग, रिमूव्स या हैव रिमूव्ड, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना आता होगा तो आप आराम से समझ लेंगे। क्या सब्जेक्ट पहचानना है बच्चों? कि सब्जेक्ट क्या है आपका यहां पे? द बार। जो प्रीपोजिशन है ना, इन सब के पहले ही आपका सब्जेक्ट होता है नॉर्मली, तो द बार तो सिंगुलर होगा। अगर द बार सिंगुलर है तो रिमूव तो नहीं होगा, रिमूविंग बिना हेल्पिंग वर्ब तो आएगा नहीं, हैव कभी होगा नहीं। हो गया आंसर बच्चों, रिमूव हो जाएगा, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज एन अप्रोप्रिएट मोमेंट, ये एक सही समय है, सही पल है, डैश रिपेयरिंग दैट डैमेज, उस डैमेज को रिपेयर करने का। क्या होगा बच्चे? दिस इज एन अप्रोप्रिएट मोमेंट फॉर स्टार्ट, फॉर के बाद कभी स्टार्ट आ सकता है क्या? फॉर अ स्टार्ट होता अगर नाउन के रूप में, या फॉर स्टार्टिंग होगा तो ए नहीं होगा। फॉर स्टार्टिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टू स्टार्ट बिल्कुल हो सकता है। टू बी स्टार्ट कतई नहीं हो सकता, क्योंकि समय के लिए पैसिव नहीं यूज किया गया है। तो हम डी और फॉर स्टार्ट ए को रिमूव कर देते हैं। हमारे पास दो है, टू स्टार्ट और फॉर स्टार्टिंग। तो बच्चे यहां मकसद दिखाया गया ना, दिस इज एन अप्रोप्रिएट मोमेंट, ये एक सही समय है किस चीज के लिए? रिपेयरिंग दैट डैमेज, उस डैमेज को रिपेयर करने का। जहां पे मकसद दिखाया जाए वहां आपको इन्फिनिटिव लेना होता है, इसलिए फार स्टार्टिंग न लेकर के क्या ले ले आप? टू स्टार्ट ले ले। ठीक, सीखते रहिए धीरे धीरे बच्चों। और फिल इन द ब्लैंक्स का लास्ट है आपका, इट इज अ न्यू रियलिटी, यह एक नई वास्तविकता, नई सच्चाई है। वन, एक ऐसी सच्चाई दैट डैश डैश सेफ मेजर्ड एक्टिविटी, क्या होगा बच्चों? दैट एक्स फार, याद है एक्स फार, जो तरस रही है, शायद नहीं हो। दैट एड्स ऑन, जो किसी कैलकुलेशन में इंक्लूड कर रही हो, नहीं। दैट लेज डाउन, जो स्थापित हो, नहीं। सेफ मेजर्ड एक्टिविटी, स्थापित कहां मतलब है? दैट कॉल्स फार, जिसे जरूरत है किस चीज की? सेफ मेजर्ड एक्टिविटी की। कॉल्स फॉर मींस आवश्यकता होना, जरूरत। ये मेरा तरीका है बच्चों इन सब चीजों को धीरे धीरे तैयार करा देने का। आगे बढ़ते हैं, और ये यहां पे आपको मिलाना है बच्चों कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। यहां पे बोले कौन सा ऑप्शन बच्चों यहां आपके लिए बेस्ट है, यही आपको बताना है। देख लें, सिस्टमैटिक कर दे रहा हूं। बोले ये है आपका आंसर फॉर मींस क्या होता है, आस्क आउट मींस क्या होता है, आस्क इन मींस क्या होता है, अप्लाई फॉर मींस क्या होता है, और आंसर बैक क्या होता है। ये सारा आज मेरा लास्ट है आपका ए, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से जितने फ्रेजल वर्ब्स थे उस सब मैंने करीब करीब आपको दे दिया जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बच्चों जानते हैं आप आंसर फॉर क्या होता है? आंसर फॉर होता है किसी चीज के लिए रिस्पांसिबल होना। देखिए है कहीं पे, रूडली नहीं, मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं, इनवाइट समवन नहीं, बी हेल्ड रिस्पांसिबल बिल्कुल। यानी आंसर फॉर हो गया किसी चीज के लिए उत्तरदायी होना, जिम्मेदार होना। आस्क आउट मीन्स होता है किसी को डिनर पर, लंच पर बुलाना, मीन्स लंच वगैरह पे बुलाना, तो लंच वगैरह बुलाना, रिप्लाई रूडली नहीं, मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं, इनवाइट समवन है ना बच्चों, ये आपका। यानी दूसरे का हो गया सी, आस्क आउट मीन्स किसी को लंच या डिनर पर बुलाना। आस्क इन तो क्लियर होना चाहिए बच्चों ना, आस्क इन किसी को अंदर बुला लेना, देखिए कहीं है ये, देखिए इनवाइट समवन टू कम इनसाइड, यानी आस्क इन का हो जाएगा ई, हो जाएगा अंदर बुला लेना।
अप्लाई फॉर, तो बचपन से आप जानते हैं आप जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, तो क्या करते हैं आप बच्चों, ये करते हैं, मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर समथिंग। और आंसर बैक क्या होता है, किसी अपने से बड़े को बड़ी ही अशिष्टता पूर्वक जवाब देना, मीन्स रिप्लाई रूडली टू समवन इन अथॉरिटी, यानी आंसर बैक का हो जाएगा बी पोर्शन। ठीक है, तो आंसर फॉर क्या हो गया बच्चों, किसी चीज के लिए उत्तरदायी होना, जिम्मेदार होना। आस्क आउट क्या हो गया, किसी को लंच या डिनर पर बुलाना। आस्क इन क्या हो गया, अंदर बुला लेना। अप्लाई फॉर क्या हो गया, आवेदन करना। और आंसर बैक क्या हो गया, रूडली जवाब देना। अब इन चीजों को हम रिविजन कर सकते हैं बच्चों, यहीं पे देखें कि क्या आप इनकी हिंदी समझ गए, देखें पढ़ के देखें शायद समझ आए। आई कुड नॉट लीव हर स्टैंडिंग आउटसाइड, मैं उसे बाहर खड़े नहीं छोड़ सकता था इन द कोल्ड, वो भी ठंडक में, सो इसलिए आई आस्क्ड हर इन, इसलिए मैंने उसे कहां बुला लिया, अंदर बुला लिया। आस्क इन, अंदर बुला लेना। दे हैव आस्क्ड मी आउट सेवरल टाइम्स, उन्होंने कई बार मुझे आस्क आउट बुलाया, मीन्स क्या किया है, डिनर पर, लंच पर बुलाया है, तो आस्क आउट डिनर या लंच वगैरह पे बुलाना। When he saw the advertisement, जब उसने एडवर्टीजमेंट को देखा, he decided to apply for the job, apply for आवेदन करना। I'm your teacher, मैं आपका टीचर हूं, don't answer back, पलट कर जवाब दो, न दो, means अशिष्टता पूर्वक जवाब न दो, यहां आंसर बैक हो गया। और लास्ट है, नॉर्मली पेरेंट्स हैव टू आंसर फॉर, सामान्यतया माता पिता को ही जिम्मेदार होना होता है फॉर देयर चिल्ड्रंस बिहेवियर, अपने बच्चों के व्यवहार के लिए। तैयार करिएगा, जरूर काम आएंगे सारी चीजें आपके, और बहुत मुश्किल नहीं बच्चों, प्रैक्टिस करें तैयार हो जाएगा। ये मेरा नेक्स्ट सेक्शन आपका है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। पीस ऑफ केक याद है बच्चों, पीस ऑफ केक लिया, खा गया, पता भी नहीं चला, इतना आसान था उसे खाना, तो पीस ऑफ केक, कोई बहुत इजी टास्क, बहुत आसान कार्य, देखें हैं कहीं, है कहीं, ये देखिए बच्चों आपका, ये वेरी इजी टू डू आर अंडरस्टैंड, करना या समझना बिल्कुल आसान होना, इज अ पीस ऑफ केक। कम हेल आर हाई वाटर, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए वो परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती, यानी हर परिस्थिति में हम अपने कर्तव्य को निभाएंगे, है कहीं बच्चों, ये देखें। पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स, जो संभाव्य बाधाएं होती हैं, इन योर पाथ्स, आपके रास्तों में, विल नॉट स्टॉप यू, आपको रोकेंगे नहीं, अर्थात रोक नहीं पाएंगे, दिस इज अ कम हेल आर हाई वाटर। कॉस्ट आर्म एंड लेग, लोग कहते हैं सोने का भाव दोगे क्या, मींस कोई चीज बहुत महंगा होना, इतना महंगा होना उसके लिए आपको अपनी आर्म, अपना लेग देना पड़ जाए, मीन्स बहुत महंगा, कॉस्ट आर्म एंड लेग मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी एक्सपेंसिव। टू बी इन डोलड्रम्स, बहुत सारे बच्चे खिन्न हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, मीन्स गुस्सा जाते हैं या फिर उदास हो जाया करते हैं, तो टू बी इन डोलड्रम्स, खिन्न हो जाना, क्या हो जाएगा बच्चों, टू बी इन लो स्पिरिट, अर्थात उत्साह खत्म हो जाना। और लास्ट कर लेंगे आप, टू सिट ऑन द फेंस, जब आप चार दीवारी बैठ जाए और दोनों तरफ के लोगों को देखते रहे, अर्थात किसी का भी आप पक्ष न ले रहे हो, पार्शियलिटी न शो करें, अर्थात तटस्थ हो जा रहे हो, तो टू सिट ऑन द फेंस हो जाएगा आपका, कौन सा है बच्चों, कर लेंगे, टू रिमेन न्यूट्रल, तटस्थ होना। तैयार करिएगा बच्चों, और इनके सारी के मैंने आपको यूजेस भी दिए हैं, देख लें। I thought that the problem would be tough. मैंने सोचा कि समस्या कठिन होगी, but it turned out to be a piece of cake. लेकिन समस्या बिल्कुल आसान थी, piece of cake, आसान कार्य होना। She has decided that come hell or high water. उसने निर्णय किया है, चाहे कुछ भी हो जाए, she will become an IAS officer. वह एक IAS officer जरूर बनेगी। यानी come hell or high water, किसी भी परिस्थिति में आप पीछे नहीं हटेंगे आप। The next ticket cost him an arm and a leg. जो अगला टिकट था उसके लिए वो बहुत महंगा था, वेरी एक्सपेंसिव था, कॉस्ट आर्म एंड लेगो एंड अ लेगो, बहुत महंगा होना। रमेश वॉज इन द डोलड्रम्स, रमेश क्या था, बहुत खिन्न था, आफ्टर ही वॉज इंसल्टेड बाई द बॉस, जब उसके बॉस ने उसकी क्या कर दी, बेइज्जती कर दी।
आई डिसाइडेड टू सिट ऑन द फेंस, यानी मैंने तटस्थ होने का निर्णय ले लिया ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट बिटवीन माई सिस्टर्स, जब मेरी बहनों में बहसबाजी चल रही थी मैंने तटस्थ होने का निर्णय ले लिया, मीन्स मैं पार्शियलिटी नहीं शो करना चाहता, तो सिट ऑन द फेंस हो तटस्थ हो जाता। चलिए बच्चों, ये आपका मैंने कहा था, आज से मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप में ऐड किया है, सेकेंड लास्ट पोर्शन है आपका। देखें एग्नोस्टिक में कौन सा मिलाएंगे सामने आप, कौन सा आंसर सही होगा। आर्सोनिस्ट कौन होता है, अमेटियर कौन होता है, एनार्किस्ट कौन है, एपोस्टेट कौन है, सारा देखें ए से मैंने दिया है, क्योंकि मैं टारगेट लेकर चल रहा हूं बच्चों, ये सब मैं यहां आपकी एक टेस्ट के तौर पे प्रिपरेशन करा दूं और उधर एडिटोरियल से यहां पे चीजें मैं मिलाता चलूं। एग्नोस्टिक याद है बच्चों, वो व्यक्ति जो ईश्वर को लेकर के संदेह में हो, ईश्वर है या नहीं है वो क्लियर ना हो, वो कौन है बच्चों, वन हु बिलीव्स टू ब्रिंग अबाउट स्टेट नहीं, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नहीं, अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर नहीं, अ पर्सन हु चेंज्ड नहीं, वन हा ये देखे हैं, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो ईश्वर में विश्वास करता है बच्चों वो थेस्ट होता है, जो विश्वास नहीं करता है वो अथेस्ट होता है, और ये दोनों के बीच का वर्ड है एग्नोस्टिक, जिसमें विश्वास हो भी और रह रह करके डगमगा भी जाए, जिसमें हम ज्यादातर लोग होते हैं, तो वो एग्नोस्टिक होते हैं, जिन्हें ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के संदेह होता है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आर्सोनिस्ट, आर्सोनिस्ट कौन होता है याद है आपको, याद करते चलो बच्चों, मेरा टारगेट आपको टेस्ट करना नहीं, मेरा टारगेट आपको तैयार करा देना है। तो आर्सोनिस्ट वो होता है बच्चों जो किसी बिल्डिंग्स वगैरह में आग लगा देता, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, वन हु बिलीव्स नहीं, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नहीं, अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स अ फायर है ना, देखिए बच्चों सेट्स अ फायर, यानी आर्सोनिस्ट का हो जाएगा सी हो जाएगा, मीन्स अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स अ फायर टू अ बिल्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अमेच्योर, अमेच्योर मीन्स होता है किसी चीज का आपके पास पूरा नॉलेज ना हो लेकिन शौक के तहत प्लेजर के कारण आप उसे करते हो क्योंकि आप शौकीन हैं, तो अमेच्योर का क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल इजी है ये, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, जब आप प्रोफेशनल ना हो प्लेजर के तहत करते हो। एनार्किस्ट तो बिल्कुल आसान है, जो अराजक होता है, जो किसी लाभ वगैरह में व्यवस्था में विश्वास नहीं करता है वो अनार्किस्ट होता है, मीन्स अराजकतावादी, कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका, कर लेंगे ये देखिए, वन हु बिलीव्स टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, जो अराजकता फैलाना चाहता हो वो एनार्किस्ट होता है, तो आप अपोस्टेट अपने आप कर लें, जो अपने विश्वास अपने धर्म को परिवर्तित कर लेता है वो अपोस्टेट होता है, कर लेंगे अपोस्टेट, अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज ऑर फेथ। पांचों वर्ड तैयार करिएगा, एग्नोस्टिक जो ईश्वर में विश्वास करता भी हो न भी करता हो संशय करता हो, आर्सोनिस्ट जो बिल्डिंग्स वगैरह में आग लगाता हो, अमेच्योर जो कोई कार्य शौक के तहत करता हो शौकीन हो पूरा ज्ञान ना हो, एनार्किस्ट जो अराजक हो ला में विश्वास न करता हो लॉलेसनेस ले आना चाहता हो, और एपोस्टेट जिसने अपने फेथ वगैरह को अपने बिलीफ को क्या कर लिया हो बदल लिया हो वो एपोस्टेट होता है। और ये लास्ट सेगमेंट है बच्चों बिल्कुल हमारा सिनोनिम्स का, बोले क्या हो जाएगा, ये तो पढ़ाया मैंने आपको वर्ड पावर में, रिगोरस याद है आपको, रिगोरस याद आ रहा है, रिगोरस में सख्त कठोर जो स्ट्रिक्ट होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, अडामेंट हो जाएगा, आप देखते रहिए बच्चों आप क्या मिला रहे हैं। कंटाजियस संक्रामक होता है, कर लेंगे बिल्कुल आसान बच्चों है, जो इन्फेक्शस। स्टिपुलेशन कोई शर्त, तो शर्त जानते हैं आप बच्चों कंडीशन होते ही ना। प्रोटोकॉल कोई कदाचार, यानी कोई आप क्या कह सकते हैं कोई सेट्स ऑफ रूल्स, मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको नियमों का पालन करना पड़ता हो वो प्रोटोकॉल होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों एटिकेट, आपका शिष्टाचार, कदाचार नहीं शिष्टाचार। और एडहेरेंस क्या होता है, अनुपालन, किसी चीज से आपका लगाव आपका जुड़ाव, इसी एडहेरेंस में इस गोंद होता है बच्चों, तो एडहेरेंस का क्या हो जाएगा बॉन्डिंग। ये नियर अबाउट 50 मिनट्स के आसपास का मेरा आपका सब है, 45-50 मिनट का, बट ये चीजें आपके लिए बहुत कहते हैं ना वो एलिक्सर का काम करेंगे बच्चों, एलिक्सर मीन्स अमृत का,
इफ यू आर रेगुलर एंड पंक्चुअल, अगर आप रेगुलरली रेगुलरिटी अपनी पंक्चुअलिटी शो करते हैं, रेगुलर शाल करते हैं इसे, जैसे मैंने आठवां सेशन ही कराया, शुरू से तैयार कर ले, आप देखें यू विल सर्टेनली हैव व्हाट यू कैन से एलिमेंट ऑफ बिलीफ, एन एलिमेंट ऑफ बिलीफ आपके अंदर होगा, नाउ वी कैन वी विल, हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे और तब ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगे। चलिए अभी 7 बजे हम मिलते हैं ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ। ओके, थैंक यू।